मुंबई के साठे नगर के बस्ती के सामने एक SMS नाम की कंपनी है। उस कंपनी में मुंबई के सारे हॉस्पिटलों का कचरा लाया जाता है और उस कचरों को इस कंपनी में जलाया जाता है। लेकिन इस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि इस कंपनी में हमें हमारे हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी वजह से इन कंपनी के मजदूरों ने यहाँ पे कंपनी के सामने हड़ताल करके रखी है। हड़ताल इस वजह से कर रहे हैं कि हम लोग की मांगनी पूरी नहीं हो रही है। जो हम लोग आज 3 साल से काम कर रहे थे वो हम लोग कुछ दिया नहीं जा रहा है। ना हैंड ग्लोव्स है हाथ में, ना पहनने के लिए मुँह पे मास्क है, ना पैर में बूट है, ना पगार का स्लिप है, ना ESI फंड है, ना कुछ मेडिक्लेम इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। और अभी तक पगार का कुछ है नहीं। और हम लोग आज कंपनी से आज 20-22 दिन 25 दिन हो गया है बाहर है स्ट्राइक करके हम लोग का, और अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग को ब्लेड लग गया, सुई लग गया, मतलब उसकी चेकअप नहीं होता है। 6 महीने में एक आध बार कभी उन लोग के दिल में आया लग गई ऐसा हो गया, लीगली मेडिकल चेकअप नहीं होता। तो आपने इससे पहले कभी इनसे मांग की थी? इसके बारे में हम लोग ने इनसे मांग की थी, इन्होंने कहा हम करेंगे करेंगे, खाली आश्वासन देते रहे, मगर ऐसा हुआ नहीं। हम लोग सुबह काम को आते हैं और जाने का टाइम नहीं है, काम का टाइमिंग नहीं है। हमारा काम का एक लिमिट रखा जाए, 8 घंटे का रखा जाए, और पीने का पानी यहाँ नहीं मिल रहा है। हम लोग को पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम लोग का ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं इनके पास। हम लोग पेमेंट स्लिप, 8 घंटे का ड्यूटी और पानी ही मांग रहे हैं इनसे। इस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में कंपनी ने सोचना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री ने आके इस कंपनी में जांच पड़ताल करनी चाहिए और इनकी मांगे पूरी कर इन्हें वापस काम पर लेना चाहिए। मुंबई से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।